हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर हमारे आधार कार्ड में जो है इनरोलमेंट, जब स्टेटस चेक करते हैं, आधार चेक स्टेटस करते हैं इनरोलमेंट से, तो हमारा ये स्टेटस आ रहा है जो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। आधार नंबर, ठीक है, और इसमें आपका आधार नंबर रहेगा और इसमें लिखा हुआ हैज़ बीन कैंसिल अंडर रेगुलेशन आधार इनरोलमेंट। जैसे ये स्टेटस का मतलब ये होता है कि जिन भाई लोगों का ये स्टेटस शो हो रहा है उनका साफ जो है मतलब ये है कि आपका जो कार्ड है, आधार कार्ड है, उसको कैंसिल कर दिया गया है यूडीआई की तरफ से, यानी सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे इसको वापस, अपने आधार कार्ड को वापस ला सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा मतलब डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे YouTube चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आधार और पासपोर्ट से रिलेटेड जो है हमारे YouTube चैनल पर वीडियो मिलता रहता है गाइस। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, जिसका भी आधार कार्ड जो है सस्पेंड हुआ है, कैंसिल हुआ है यूडीआई की तरफ से, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये आधार कार्ड जो है क्यों कैंसिल होता है, यानी क्यों यूडीआई की तरफ से आपका आधार कार्ड जो है इसको सस्पेंड किया जाता है गाइस। ठीक है, तो पहला नंबर जो है, जैसे आपने आधार कार्ड में बार बार इनरोलमेंट कराना, ठीक है, 1 से 5-10 बार अगर इनरोलमेंट आप 1 महीना में करा लेते हो, तभी भी डर रहता है कि आपका आधार कार्ड जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, और दूसरा नंबर, जैसे कि आपने अपने आधार कार्ड में जैसे कोई गलत काम कर दिया और उसमें आपका आधार कार्ड जो है पकड़ा गया, तो वहाँ पर जो है आपको आधार कार्ड जो है वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया जाएगा। ठीक है, और इसीलिए जो है अपने आधार कार्ड में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगर यूडीआई की तरफ से अगर आपका आधार कार्ड को पकड़ा गया कि आप इलीगल काम कर रहे हैं आधार कार्ड से थ्रू से, तो आपका जो है आधार कार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा गाइस। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन ये है कि मान लीजिए अगर आपका आधार कार्ड जो है सस्पेंड हो गया है, तो उसको हम कैसे जो है सही कर सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, अगर आपका आधार कार्ड जो है सस्पेंड हो गया है और आपका भी ऐसा स्टेटस शो हो रहा है, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या भेजना है, मैं आप लोगों का जो है सही करा के दूंगा। ठीक है, कुछ पेमेंट लगता है और मैं आप लोगों का सही करा के दे दूंगा। ठीक है, देखो, अगर जिसका भी आधार सस्पेंड हुआ है उनको उनको क्या करना है, अपना आधार कार्ड, ठीक है, अपना आधार कार्ड और फुल बायोमेट्रिक अपडेट करा के, ठीक है, इनरोलमेंट स्लिप आप लोग को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, और मात्र आपका 7 दिनों के अंदर में जो है आपका आधार कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो है आधार कार्ड काम करने लगेगा, और आप जो है किसी भी सरकारी कार्य का जो है लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका सस्पेंड रहेगा तो कोई भी सरकारी कार्य का आप जो है लाभ नहीं उठा सकते हैं, ना ही बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना ही किसी ऐप जैसे वगैरह लोन वगैरह लेना है, ठीक है, या आप अपना कोई भी पर्सनल काम नहीं कर सकते हैं। आप देख ही सकते हो कि आधार कार्ड से हर काम हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपना फुल बायोमेट्रिक इनरोलमेंट, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप न्यू आधार कार्ड बनवाने का जो है प्रोसेस करते हैं, वैसे फुल बायोमेट्रिक करा के और अपना आधार कार्ड और स्लिप जो है भेजना है, आपका 1 हफ्ते के अंदर में जो कैंसिल आधार कार्ड है वो मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे जो मुझे मैसेज करो, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नंबर दे दिया गया है, आप लोग उस पर व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, अपना नाम लिख के मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है गाइस,